हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेशनल हाईवे 162 चंडावल सरहद के पास हथियार सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। वारदात करने की फिराक में थे आरोपी। आरोपियों से 2 देशी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस व 4 मैगजीन बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के निर्देश पर हथियार पर नाकाबंदी करने एवं अधिकारी लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई करने के आदेश प्रदान किए गए। नाकाबंदी के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर नेशनल हाईवे 162 पर स्थित चंडावल सरहद में नाकाबंदी की गई, जिसके बाद गठित टीम द्वारा 4 हथियारबद्ध मुलजिमों को 2 देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई और वारदातें खुलने की संभावना है। पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ व CI रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि गुरुवार रात्रि में नाकाबंदी के दौरान नेशनल हाईवे 162 पर स्थित लहर होटल तिराहा पर एक MP नंबर की सफेद कार तेज गति से आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रुकाने का इशारा किया, परंतु चालक ने अपनी कार को तेज गति से घुमाते हुए लिंक रोड से होते हुए मुरडावा के तरफ जाने वाली रोड पर भगाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जाप्ता द्वारा पीछा कर मुरडावा रोड पर पुलिया के पास कार को रोक कर कार के अंदर बैठे चालक एवं अन्य 3 व्यक्तियों को कार सहित दस्तयाब कर तलाशी ली गई, तो आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस एवं 4 मैगजीन बरामद करने में सफलता अर्जित की, जिसके बाद शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनको 2 दिन के PC रिमांड पर भेजा गया। ये थे टीम में। इस दौरान श्री रामेश्वर लाल भाटी, उप निरीक्षक चेला राम, मुख्य आरक्षी बिंजा राम, कांस्टेबल श्याम लाल, सुनील, महेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, जेठा सिंह प्रकाश आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।